ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। देख सकते हैं कि हमारी हॉकी टीम यहाँ आ चुकी है, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज के साथ वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं वह ललित उपाध्याय है, मनदीप है, सारे हैं, कप्तान हरमनप्रीत भी है और सारे मेंबर्स जो है एक साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। शानदार तरीके से ब्रॉन्ज मेडल जो है स्पेन को 4-0 से हरा कर जीता है इंडियन टीम ने। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ खिलाड़ी जो है वापस आ चुके हैं, वतन आ चुके हैं। हमारे पियास ऋजेश नहीं आए हैं, पियास ऋजेश जो द वॉल ऑफ इंडिया यहाँ मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि क्लोजिंग सेरेमनी में मनु बाकर के साथ फ्लैग बेरर होंगे और वो जो है टीम के साथ बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल टीम आ चुकी है, कप्तान पीछे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हार्दिक है, मनप्रीत है, ललित है, विवेक है, सारे यहाँ मौजूद है और जर्मन भी है यहाँ पे मौजूद। तो एक एक करके हम ट्राई करेंगे सबसे बात करने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि टीम यहाँ आ चुकी है और शानदार तरीके से यहाँ पे टीम का स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है और ब्रॉन्ज मेडल दिखाते नजर आ रहे हैं हमारी पूरी टीम मेंबर्स। 52 साल बाद ऐसा हुआ है कि टीम जो है लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत कर आई है। इससे पहले 1952 के बाद जो है 58 और 60 के बाद ऐसा हुआ था। देख सकते हैं किस तरह से झूम उठे हैं सारे खिलाड़ी यहाँ पर ढोल की आवाज से। और एक बार हम फिर रिक्वेस्ट करिए, ये देखिए शानदार तरीके से सुजीत का और मनदीप का सबका शानदार तरीके से डांस हो रहा है। आप देख सकते हैं, आइए इधर देखते हैं, बात करते हैं, हरमनप्रीत से बात करते हैं। आइए हरमनप्रीत को सरपंच बोले, कप्तान बुलाएगा और या मेडलिस्ट बुलाएगा? आप इंडिया बुला सकते हैं, इंडिया बुला सकते हैं। किस तरह से दुख लग रहा है आपको? दुख है कि गोल्ड मेडल नहीं आए, आप खुश हैं कि ब्रॉन्ज के साथ एक बार फिर वापस आ रही है टीम? बिल्कुल, आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए, एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ है, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना, इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें, और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सर, पूरे सरपंच बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के, एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं, क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और
जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां से हॉकी टीम रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी। यहां पर हमने कप्तान हरमनप्रीत से बात करने की कोशिश की और काफी खुश है, ब्रॉन्ज के साथ वापस आए, टीम गोल्ड से जरूर चूक गई है लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि बहुत सालों बाद 52 साल बाद कि लगातार दो ओलंपिक्स में टीम ब्रॉन्ज मेडल के साथ वापस आई है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पेरिस में ब्रॉन्ज के साथ। यहां पर हरमनप्रीत से हम लगातार एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि सृजेश के बारे में उन्होंने बात की, इसके बाद जिस तरह से सृजेश ने जो है आपको बता दे कि रिटायरमेंट ऐलान कर दिया था पेरिस ओलंपिक्स के दौरान कि ये उनका आखिरी रहेगा। हमने हरमन से भी पूछा कि क्या वो 2028 ओलंपिक्स का हिस्सा होंगे और उन्होंने लगातार इस सवाल का जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी रही। तो आप देखते हैं कि टीम जो है इस ओलंपिक्स के बाद किस तरह के ट्रांजिशन में जाती है। फिलहाल जो है टीम काफी खुश है लगातार जो है दो ओलंपिक्स में मेडल्स लेने के बाद और यहां से अभी फिलहाल जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात होगी। और यहां T3 दिल्ली से कैमरा पर्सन नासिर के साथ शाजिया अब्बास आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।